पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे देने के मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि सरकार के खर्च की आलोचना के लिए विधानसभा ही उचित जगह है। वही अब इस फैसले के बाद ममता का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी की नज़र साउथ के साथ ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल पर भी है। यहां पैर जमाने के लिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी के कदमों को रोकने के लिए ममता ने भी हिंदुत्व कार्ड खेला था। ममता ने ऐलान किया था कि राज्य की 25,000 दुर्गा पूजा कमेटियों को 10-10,000 रुपए की आर्थिक मदद की सौगात दी जाएगी। इस तरह ममता सरकार 10-10,000 रुपए की दर से करीब 28 करोड़ की मदद दुर्गा पूजा समितियों को देने वाली थी, लेकिन एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ममता के फंड पर रोक लगा दी थी। साथ ही सवाल उठाए थे, लेकिन आज दोबारा सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ी राहत दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार के खर्च की आलोचना के लिए विधानसभा ही उचित जगह है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। वहीं अब इस फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। उन्हें अपने हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी पर निशाना लगाने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थीं, जबकि ममता के खाते में 34 गई थीं। इस बार बीजेपी ममता के गढ़ में सेंधमारी के सपने देख रही है, इसलिए उसने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। लेकिन अब ममता दुर्गा पूजा पंडालों को मदद के बहाने बीजेपी को करारा जवाब देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।